हेलो फ्रेंड्स, नवीश गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने संडे शॉपिंग की है और ये कुछ एक प्लांट मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस सीज़न में आप कौन कौन से प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। मैं एक ये पूना की जो वैरायटी है क्रोटन की, ये लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक देसी वैरायटी होती है, एक पूना की है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है इसी पोट के अंदर और अच्छी मेरे को लगी ये। और 200 रुपये का इसका जो है प्राइस मिला दोस्तों मेरे को। मैं एक ये लेकर के आया हूँ, आप इस टाइम पर क्रोटन लगा सकते हैं क्योंकि क्रोटन जो है वो इन 3-4 महीनों में अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा और बाद में जब सर्दियां स्टार्ट होंगी उस टाइम पर जो है क्रोटन की ग्रोथ रुकेगी, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्रोटन की कंप्लीट केयर जो है दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। किस समय पर आपको क्या डालना है, कैसे उसकी केयर करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर बताई जाएंगी। दोस्तों, दूसरा ये है, ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है जो कि ये भी मेरे को 200 रुपये की लगी और लिपस्टिक एग्लोनिमा है ये, जिसमें लंबी पत्तियाँ आती है, गोल पत्तियाँ आती है। दोस्तों, ये अलग वैरायटी है लंबे पत्तों वाली। तो मैं एक ये लेकर के आया हूँ, मुझे अच्छी लगी और इसको भी हम अब अपने गार्डन में लगाएंगे। इस पौधे को भी लगाने का ये बेस्ट टाइम है दोस्तों। और ये दोनों के ही दोनों इंडोर प्लांट हैं, आउटडोर नहीं हैं। आप इसको ग्रीन नेट में या छाया में लगा सकते हैं, धूप में लगाने के प्लांट नहीं हैं। उसके बाद ये लंटाना का पौधा लेकर के आया हूँ दोस्तों। लंटाना में ये देखिए येलो कलर के जो है फ्लावर आए हुए हैं और इस समय पर इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप इस समय पर लंटाना को लगा सकते हैं, आपको अच्छा गार्डन के अंदर एक लुक मिलेगा और अच्छा जो है वो एक एनवायरनमेंट मिलेगा। दोस्तों, ये 30-40 रुपये का एक पौधा मेरे को मिला है। इसके बाद दोस्तों, ये एक्जोरा का पौधा लेकर के आया हूँ। एक्जोरा में कई वैरायटी आती हैं, ये दूसरी वैरायटी दोस्तों एक्जोरा की, जिसके अंदर थोड़े से गुच्छे में फूल और छोटी ड्वार्फ वैरायटी, इसमें छोटा साइज़ रहता है एक्जोरा का, ज़्यादा बड़ी ये जो इसकी ग्रोथ नहीं होती है। और ये 80 रुपये का पौधा उसने लगाया है, अच्छा लगा मेरे को एक्जोरा। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो एक कल दो जो है परसों ही बनाई थी दोस्तों, उसमें एक्जोरा की कंप्लीट डिटेल बताई थी, एक्जोरा को कैसे लगाना और उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। एक्जोरा की मैं ये दो वैरायटी लेकर गया हूँ, दो कलर हैं दोस्तों, इसमें अलग कलर है और इसमें दूसरा कलर है। और लंटाना के भी ये दो कलर लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसमें एक ये वाला है येलो वाला और दूसरा ये है। और आज गार्डन जो है मैंने थोड़ा सा संडे है इसलिए बिखराया हुआ है, पौधों की सेटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, कोई पौधा इधर उधर जो है थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और किसी पौधे के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हर पौधे की मैंने सारी जो है बारीकी से हर एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि किस पौधे को किस तरीके से रखना है, क्या उसकी कंप्लीट केयर है, किस टाइम पर उसके अंदर क्या चीज़ें डालनी है, क्या नहीं डालनी है, कब उसकी कटिंग करनी है। तो आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके ऊपर आपको गार्डनिंग करने के सारे तौर तरीके जो है वो सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और टॉपिक और किसी नए पौधे की इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।